तो सबसे पहले सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत गांव से। तो मेरे गांव का नाम है भैसड़ गांव, जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है उत्तराखंड कुमाऊं में। तो अभी समय करीब हो रहा है 7:43 और अभी का माहौल कुछ इस प्रकार हो रहा है, आप फील कीजिए। आज मौसम की बात करें, मौसम बिल्कुल पैक हो रखा है और बिल्कुल बिगड़ रहा है आज मौसम। तो ये काफी दिनों के बाद ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है हमें। और मतलब अभी देखिए हवाएं तो चल रही हैं और इधर साइड देखिए यहाँ इस साइड में जो है बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ इस साइड में हो चुकी है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखिए इस ऊपर वाली साइड पे भी अभी बारिश आने लग गई है और यहाँ जो है अभी थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी हो रही है, तो हल्के फुल्के छींटे भी देखने को मिल रहे हैं। और बारिश तो आती रहेगी पर इस बार जो है लोगों को थोड़ा बहुत मतलब काम करने दिया है मौसम ने, कि अभी मतलब 80-90% सभी के गेहूं अभी कटाई हो चुकी है, उनकी चुटाई मड़ाई सब कुछ अभी हो चुका है। तो अभी देखिए मेरी ताई भी लगी हुई है और यहाँ पर अभी इन्होंने भी जो है गेहूं पूरे निपटा दिए हैं, इनका आज आखिरी था, मैंने ही कुछ इनकी हेल्प की और ये तो खुद ही है और लगे हैं लोग अपने अपने कामों में। और तो अभी जो है ताई अभी लगी है अपने कामों में और इधर साइड देखिए हमारी बगल में आंटी है जो उन्होंने भी बकरियां खोल रखी हैं। तो ये जो बकरियां वाला सीन है ना, तो जो ये बकरी वाला सीन है ये तो मतलब इनके ग्वाला जाना ही पड़ता है कुछ। ये दीदी जो है बादल छटने लगे हैं और अभी धूप जो है खिलने लगी है। पहाड़ों का मौसम है, कभी भी बदल सकता है, इसका कोई कुछ कहना नहीं है। और अभी देखिए ये वाला जो खेत है पूरा हमने जो है बिल्कुल बढ़िया बना दिया है, इसे जो भी खर पतवार थी सारी निकाल के हमने जला दी है और मिर्ची की पौध इतनी बढ़िया हो चुकी है। तो अभी देखिए यहाँ पर शिमला मिर्ची की पौध लगा दिए है मम्मी ने और पूरे देखिए इसे वहर पार रखे हैं। अब जब भी इसकी ये जो लगाने लायक हो जाएगी बढ़िया, तो इस वहरों में अब मिर्ची को लगा दिया जाएगा। और एक जो है इस वाले खेत में भी हमने पूरा रिपेयर कर लिया है, तो यहाँ भी वेयर बिल्कुल बढ़िया हो चुके हैं। और अंगूरों की बात करें तो इसका अपडेट देख दिखाते हैं आपको, तो बढ़िया हो चुकी हैं और लगभग 3-4 महीने नहीं यार, थोड़ा बहुत कम लगते हैं, 2-3 महीने में बढ़िया हो जाते हैं खाने लायक। कोको मास्टर यार मिट्टी क्यों खा रहा है भाई तू, है भाई मिट्टी क्यों खा रहे। तो चलिए दोस्तों अभी देखते हैं आगे आगे अब क्या देखने को मिलता है आज। वाली धूप लग गई है तो अब अपना एक काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो पूरा कीचड़ सा अजीब सा हो जाता है और झाड़ू जो है बिल्कुल अच्छे से नहीं लगता है। तो अभी देखिए गोबर ओबर सब मिक्स रेडी है, मम्मी ने कर दिया हमारे, और अभी हमें जो है इस पे लिपाई करनी है। तो चलिए पहले ये काम निपटाते हैं। चलो जी अभी लिपाई पुताई भी हो चुकी है, थोड़ा सा करना था यहाँ से वहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर जो है मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हो जा रही थी। तो अभी झाड़ने में भी सुविधा रहेगी, और क्योंकि क्या कहते हैं कि जब भी देखो जहाँ पहाड़ों में ना गोबर का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिनके जो है पत्थरों से बने हुए मकान होते हैं, जिनका खोला होता है पठारियों का, तो उनके वहाँ मतलब गोबर से ही काम किया जाता है, और जिनके यहाँ सीमेंटेड होता है वहाँ क्या जरूरत गोबर की। तो अभी गोबर से भी गाय पुताई बिल्कुल हो चुकी है और अभी देखते हैं आगे आगे हमें क्या देखने को मिलता है आज के इस खूबसूरत दिन में। अभी समय करीब हो रहे हैं 4:00 हो रहे हैं और अभी मेरी तैयारी हो चुकी है इनके खेत में जाने की, और वहाँ आज थोड़ा सा क्या बोलते हैं मम्मी ने, सॉरी कांटे, आज जो है कांटे को काटे नहीं, कांटों को काटना है। और क्योंकि खेत में क्या करना है डोली, मतलब आज सफाई करनी है, तो सफाई करनी है। और ये है मेरी माता श्री, आपको बहुत बार वीडियो में अभी दिख चुकी है। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं फलाटी में और अपने ताई के खेत में, मैं आपको दिखाता हूं एक बार, और ये है खेत और ये है कांटे कुछ। तो अभी इन्हें पूरा काटना है और यहाँ बिल्कुल पहला क्लियर बनाना है और साफ बनाना है बड़े रंग से। और यहाँ जो है ठंड बहुत होती है, तो हवाएं भी यहाँ बहुत तेज चलती है, तो अभी ताई भी लग गई है अपने यहाँ पर कामों में।
तुम ये बताओ पहले, तुम्हारा दम घुट जा रहा है, है? चलने में तुम्हारा दम घुट रहा है? उम्र उम्र के साथ सभी कुछ ढल जाता है, और एक वक्त था जब ये भी बड़ी गजब की थी और काफी खूबसूरत भी थी और काम के मामले में बहुत बढ़िया थी, पर उम्र जो है अब हो चुकी है, तो इसीलिए मैं भी मदद करने के लिए आ रहा हूँ। और अभी चलिए करते हैं इस काम को स्टार्ट। तो ये भी काम अभी निपट चुका है, इसे करने में लगभग 2 घंटे लगे। और अभी जो ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है, इसे बोलते हैं हमारे यहाँ बनियाट। और इस बनियाट की धार देखिए कैसी हो रही है, बिल्कुल बेकार सी हो रही है। और लगभग 2 घंटे तभी लगे, वरना ये 1.5 घंटे में निपट जाता। तो देखिए कुछ यहाँ से पूरा यहाँ तक था, और अभी टाई यहाँ पर लगी हुई है, तो आपको कराते हैं टाई से बात। आप थोड़ा सा क्यों काटना जरूरी है इसे? जरूरी है क्या? पहाड़ी में बोल दो कि न कोनी ये काटना जरूरी होनी बा काटना खेत में फिर फुल्लो बुझदा नहीं भाई और इधर साफ हो जानी भाई सब जरूरी भाई का नाम ना काट गया खेत में उपजन। तो आप बताओ मेरे को अभी दुआ दोगे या नहीं दोगे, बताओ? दूंगा क्यों नहीं दूंगा। चलो 2 शब्द हिंदी में बोल दो यहाँ पर, और क्या बोलो बताओ मैं तुम्हें? चैनल को लाइक करे इसे बोल दो, आंखों तो देखो ऐसे करो। अभी हम चलते हैं घर को, और अभी शाम के लगभग 6 बजने वाले हैं, तो अभी निकल पड़ते हैं घर की ओर और चलते हैं। ये जस्ट अभी घर पहुंच गए हैं, और यहाँ देखते ही क्या मिला हमें। देखिए ये जो है पूरा यहाँ पे जो पेड़ है पूरा नीचे को आ रखा है, और ये मैंने ऐसे डाल रखा है, तो इसमें देखिए अंगूर काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो वजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और ये देखो ये दोनों काकी और चेली हैं, दोनों यहाँ पर धूप सेक रहे हैं, और यहाँ से जो है नज़ारों का आनंद लिया जा रहा है आगे का, क्योंकि आगे जो है बढ़िया दिखता है। तो देखिए दोस्तों अभी जो है मैं यहाँ से आ रहा हूँ इस वाले खेत से, तो ये बगल वाला गांव फल्याटी है। तो और दोस्तों मेरी जो वीडियो होती है रोज एक जैसी होती है, क्योंकि इसका कारण है कि पहाड़ों में जो हमारी दिनचर्या है ना रोज की सेम ही रहती है, तो वीडियो भी अब मैं ऐसी कोशिश करता हूँ ना कि वीडियो जो है अलग अलग ढंग से बनाई जाए और अलग अलग नज़ारे दिखाए जाए और अपनी जो बातों को अलग से प्रकट किया जाए। तो मेरा ऐसा ही मकसद रहता है वीडियो बनाने का, और कुछ अलग करना है, और देखते हैं आगे आगे अब क्या क्या हम कर पाते हैं। मेरा तो मतलब मन है कि हम फ्यूचर में अगर वायरल हो गए तो मोटो ब्लॉगिंग पक्का करेंगे, और ट्रैवलिंग और वगैरह खुद कुछ सोचा है, अभी से इतना नहीं सोचते हैं। तो अभी कोको को हम थोड़ा सा घुमाने के लिए लेके आ रहे हैं, तो अभी देखना है। कोको आ जा, कम कम कोको कम कम कम। शाम के भी 7 बजे हैं, और हमारे जी रितिका तो अभी ये बना रही है ब्लॉग, और इसका बड़ा मन हो रहा है। और चलिए चलिए बोलिए ब्लॉग नाम बताइए और कुछ इंट्रोडक्शन कराइए। चलिए मेरा नाम रितिका है। हाँ, और पापा का नाम दलीप है। दलीप तू तो पहले शनिवार बोल रही थी। शनिवार नहीं, दलीप है, दलीप कुमार। दलीप कुमार है। और अम्मा का नाम? अम्मा का नाम शांति देवी। शांति देवी, इसका नाम? तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यार ज्यादा का जल्दी स्पीड में बुला दूं, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।